जिला मंडी के सुंदरनगर में बन रही करोड़ों की पेयजल योजना को लेकर उठाए गए सवालों पर अब जल शक्ति विभाग भी सामने आ गया है। जल शक्ति विभाग सुंदरनगर के अधिशांशी अभियंता अनिल वर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना का पानी आगामी 40 सालों तक सुंदरनगर शहरी क्षेत्र की जनता को पूरे मापदंडों के तहत सप्लाई किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये योजना भविष्य के लिए सुंदरनगर शहरी क्षेत्र की जनता के लिए सार्थक सिद्ध होगी और जो पेयजल की समस्या की किल्लत आ रही है उससे भी काफी हद तक निजात मिलेगी। वर्तमान में सुंदरनगर मंडल में जल शक्ति विभाग के तहत जो भी प्राकृतिक और भूमिगत जल स्रोत हैं उनसे गर्मी के मौसम में पानी की पर्याप्त आपूर्ति आम जनता को नहीं हो पाती है। जलाशय से पानी उठाने के बाद लोगों को 24 घंटे पीने के लिए पानी मिलेगा और यह पानी सुंदरनगर की जनता को WHO के मापदंडों के अनुसार दिया जाएगा। पिछले दिनों समाचार पत्रों और कुछ सोशल मीडिया में सुंदरनगर की शहर की जो स्कीम बनाई जा रही है उसकी पानी की गुणवत्ता को लेकर कुछ जो है कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी। उसके बारे में स्पष्ट करने के लिए कि इसकी जो पानी की गुणवत्ता है वो WHO स्टैंडर्ड स्पेस को ट्रीट करके लोगों को पिलाया जाएगा और जो नहर से पानी लिया जा रहा है ये जो है एक ब्यास जो हमारी ब्यास और सरदू जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं उसमें से ब्यास जो है उससे पानी उसी से नहर आती है ये तो इसकी जो गुणवत्ता है उस पर सवाल उठाना सही नहीं है। और इसमें जो कुछ लोगों का था कि इसमें कुछ कचरा गिरता है या लोग उसमें कुछ गंदगी फैलाते हैं तो उसका तो हम विभाग जो है उसको जो ट्रीटमेंट इसका प्लांट बना रहा है जो लगभग 5.5 करोड़ की लागत से इसका सिर्फ ट्रीटमेंट प्लांट ही बनाएगा उसमें उस चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाएगा और उससे उसकी जो उसको बिल्कुल प्योरीफाई किया जाएगा। उज्ज्वल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।